Hey guys, this is Abhishek Kumar Singh. Once again, you're welcome to our YouTube channel, Educational Expertise. Last classes में हमने discuss किया है Greek geographers के बारे में, Roman geographers के बारे में and the most important, Dark Age के बारे में. So now we are going to discuss about the ancient classical geographers, the geographers from China. तो हम China के geographers की बात करेंगे क्योंकि मैंने Dark Age वाले वीडियो में आपको ये बताया था कि डार्क एज पूरे यूरोप पे रही पर चाइना और इंडिया में जो ज्योग्राफी का डेवलपमेंट है वो चलता रहा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चाइना के ज्योग्राफर्स की, फिर इंडियन ज्योग्राफर्स की, देन हम डार्क एज को क्या कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे. उसके बाद हम बात करेंगे अरब ज्योग्राफर्स की. सो यहीं से वीडियो की शुरुआत होती है. सो प्लीज जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब गाइस जरूर करें. बहुत अच्छी थ्योरीज क्लासेस हैं ये, आपको भी पता है. वीडियो को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये उन लोगों को फायदा दे सकें जो किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. आपको पता है ये टॉपिक ऐसा है जो हर किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो हम आज बात करेंगे चाइनीज ज्योग्राफर्स के बारे में. तो देखिए ज्योग्राफी में चाइनीज का कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. So, 200 से 1500 ईसा के बीच चीनियों ने भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. देखिए 200 से 1500 ईसा पूर्व की बात हो रही है, यानी डार्क एज के बाद डार्क एज में भी ये डेवलप कर रहे थे. तो इनका डेवलपमेंट बेसिकली खगोल विज्ञान और मानचित्र कला के क्षेत्र में ज्यादा रहा है. यानी ये लोग कॉस्मोलॉजी की ज्यादा बात करी इन्होंने मैप मेकिंग की ज्यादा बात करी. ठीक है, अब खगोल विज्ञान ने चीनी विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि खगोल विज्ञान का ज्ञान और कृषि कैलेंडर का संकलन जनसंख्या की उत्पादक क्षमता को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं. तो इन्होंने कृषि कैलेंडर का डेवलपमेंट किया जिसकी वजह से ये लोगों को पता लग पाया कि जनसंख्या की उत्पादक क्षमता हम कैसे कृषि कैलेंडर द्वारा निर्धारित कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं. इसी प्रकार दूसरी शताब्दी ईसा तक ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल विज्ञान के तीन मुख्य विद्यालय उभरे थे. यानी हम दूसरी शताब्दी ईसा दूसरी ईसा पूर्व तक की बात कर रहे हैं तो तीन विद्यालय उभरे. काई थियन सिद्धांत में स्वर्ग की परिकल्पना पृथ्वी को ढकने वाले एक गोलार्ध के रूप में की गई जिसका आकार एक उल्टे कटोरे जैसा था. तो अगर मैं काई थियन के सिद्धांत की बात करूं तो वो बात करते हैं स्वर्ग की परिकल्पना की जिसमें पृथ्वी को ढकने वाले उत्तरी गोलार्ध की कल्पना की गई थी और ये बताया गया था कि वो बिल्कुल एक उल्टे कटोरे की तरह. ठीक है, तो उल्टे कटोरे की तरह है जस्ट लाइक दिस. उसके बाद हुन थियन थ्योरी एक बहुत फेमस थ्योरी रही. यह दुनिया के चारों ओर घूमने वाले स्वर्गीय क्षेत्रों के यूनानी दृष्टिकोणों से मेल खाता है. तो इसके अंदर उन्होंने बताया कि पृथ्वी के चारों तरफ स्वर्ग है. ठीक है, उसके बाद हुएन ये सिद्धांत जिसमें एक अनंत स्थान की परिकल्पना की गई जिसमें आकाश से पिंड स्वतंत्र रूप से तैरते हैं. यानी हुएन ये सिद्धांत में ये बताया गया था कि एक ऐसी जगह है यानी एक ऐसा स्थान है जहां पर जो पिंड है वो स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं किसी चीज के ऊपर. जी हाँ, इन्होंने बात करी थी स्पेस की यानी अंतरिक्ष के बात इन्होंने करी थी. तो आप देख लीजिए ये तीन सिद्धांत थे. फिर सबसे पहला जो नाम आता है वो है यू कुंग. याद रखिएगा यू कुंग जो है वो पहला नाम आपका आता है. इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं. यू कुंग ने ऐतिहासिक क्लासिक किताब शू चिंग नामक बुक लिखी. तो उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी जिसका नाम शू चिंग था. इस पुस्तक के एक अध्याय यानी ट्रिब्यूट ऑफ यू सबसे पुराना चीनी भौगोलिक दस्तावेज है. अगर मैं सबसे पुराना चीनी भौगोलिक दस्तावेज की बात करूं तो उसका नाम क्या है, ट्रिब्यूट ऑफ यू. याद रखेंगे ट्रिब्यूट ऑफ यू को. यह कार्य चाउ साम्राज्य की एक सूची प्रदान करता है. तो इसके अंदर क्या हुआ था कि चाउ जो साम्राज्य था चाइना का उसमें उसकी एक सूची प्रदान करता है हमको जिसमें यह होता है कि मुख्य रूप से इसके भौतिक भूगोल के संदर्भ में और पारंपरिक नौ प्रांतों और उनकी मिट्टी के प्रकार, उनके विशिष्ट उत्पाद, उनके माध्यम से चलने वाले जल मार्गों की सूची थी. यानी इस सूची के अंदर क्या बताया गया था कि नौ प्रांत कौन से थे, उन नौ प्रांत के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सॉइल थी, उसके उन सॉइल्स में किस चीज का उत्पादन होता था और वो कौन से जलमार्गों से यातायात करते थे. तो देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी को इन्होंने पूरा का पूरा इंक्लूड कर लिया अपने अंदर. उसके बाद दूसरा नाम आता है फी हशिव. ठीक है, फी हशिव नाम जो है वो बहुत फेमस ज्योग्राफर रहे हैं जिनको चीनी भूगोल के जनक भी कहा जाता है. नाम याद रखें दोस्तों, फी हिशियू जो कि फादर ऑफ चाइनीज ज्योग्राफी है, उन्हें 267 ईस्वी में चीनी साम्राज्य द्वारा लोक निर्माण मंत्री भी बनाया गया था.
यानी पूरे चीनी सम्राट ने इनको लोक निर्माण मंत्री के तौर पे घोषित किया था। उसके बाद है ये हुआंग हैंग के साथ इन्होंने आयताकार समन्वय प्रणाली पर आधारित मानचित्र चित्र की एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित करी। तो ये पहले ज्योग्राफर थे चाइना के जिन्होंने हुआंग हैंग चांग हैंग के साथ मिलके एक आयताकार समन्वय वाली प्रणाली यानी एक आयताकार मैप बनाया जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया दिखाने की कोशिश करी। उसके बाद नाम आता है तीसरा चू सू पैन, याद रखेंगे चू सू पैन, ठीक है। तो चू सू पैन एशिया के साथ मंगोल के एकीकरण के कारण उपलब्ध नई जानकारियों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। जब एशिया का एकीकरण हुआ मंगोल्स के साथ तो उस समय की जितनी भी भौगोलिक जानकारी थी चू सू पैन ने प्रस्तुत करी। अब चू सू पैन ने कार्टोग्राफिक कार्य संकलित किया यानी मैप मेकर कार्टोग्राफर कह सकते हैं चाइनीज चाइना के रहे। तो इन्होंने कार्टोग्राफी की हेल्प से इन्होंने जितनी भी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन थी उसको क्या किया इकट्ठा किया। उनका नक्शा 2 शताब्दियों से अधिक समय तक फेमस रहा। आप समझ लीजिए 200 साल तक इनका जो मैप था वो काफी ज्यादा फेमस रहा, ठीक है। उन्होंने माना कि अफ्रीका समकालीन यूरोपीय और अरबी मानचित्रों के विपरीत एक दक्षिण दिशा की ओर इशारा करने वाले त्रिकोण था। तो इन्होंने क्या दिखाया कि अफ्रीका समकालीन जो यूरोप है अरबी मानचित्रों के विपरीत एक दक्षिणी दिशा में त्रिकोण है। तो आज अगर मैं बात करता हूँ अफ्रीका के मैप की बात करी जाए तो वो बिल्कुल त्रिभुजाकार आकृति ही प्रस्तुत करता है। तो ऑलमोस्ट दोनों क्या हो गए सिमिलर हो गए। तो चाइनीज ने ये बहुत पहले ही चाइना के लोगों ने बहुत पहले ही मैप बना के ये चीज दिखा दी थी कि यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट कुछ इस तरीके से वो दिखाई देता है त्रिभुजाकार, ठीक है। उसके बाद वांग लिंग की बात करते हैं विच इज वेरी फेमस ज्योग्राफर। इन्होंने बहुत ज्यादा ज्योग्राफी के ऊपर काम किया चाइनीज चाइना में रहकर। वांग लिंग एक चीनी और ऑस्ट्रेलियाई शिक्षक थे यानी ये चाइनीज और ऑस्ट्रेलियाई दोनों टीचर रहे हैं जो कि चीन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास पर जोसेफ निधम के साथ सहयोग से जाने जाते हैं। तो इन्होंने जोसेफ निधम के साथ मिलकर बहुत सारे ज्योग्राफी के काम किए हैं। अब वांगलिंग और निधम ने चीनी भूगोल के 5 गुना वर्गीकरण का सुझाव दिया। तो इन्होंने क्या सुझाव दिया कि 5 गुना वर्गीकरण किसका चाइना का, चाइना की ज्योग्राफी का 5 गुना वर्गीकरण का सुझाव वांगलिंग ने किसके साथ निधम के साथ मिलकर दिया। दोस्तों ये याद रखना है, पहला मानव शास्त्रीय भूगोल जिसे चीन कुंग थू श्रद्धांजलि देने वाले लोगों के चित्र के नाम से जाना जाता था 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य की बात है। उसके बाद है चीन के दक्षिण देशों के लोक रीति रिवाजों का वर्णन यानी फैंग थू ची, अपरिचित क्षेत्रों का वर्णन भी इसी में किया गया है जिसको हम आई वू चिन कहते हैं। तो ये लोगों के रीति रिवाजों को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया और ऐसे क्षेत्र जो अपरिचित थे दुनिया से परे थे उनका इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। उसके बाद हाइड्रोग्राफिक पुस्तकें और शुई चिन यानी इन्होंने इसके अंदर तटीय क्षेत्रों का वर्णन किया, इसके अंदर इन्होंने जो समुद्री जलमार्ग है उनके बारे में इसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया। चौथा था स्थानीय स्थलाकृति या गजेटियर जैसे हुआ यांग को चिन, 4वीं शताब्दी के बाद इन्होंने ये चीज लिखी, ठीक है। सेचुआन का ऐतिहासिक भूगोल इन्होंने लिखा। उसके बाद आपका पांचवा है स्ट्रैबो के समान शैली में चिन डायनेस्टी से संकलित भौगोलिक विश्वकोश भी इन्होंने निर्मित किया। जैसा कि स्ट्रैबो ने एक विश्वकोश निर्मित किया वैसा ही इन्होंने चीनी डायनेस्टी से रिलेटेड एक भौगोलिक विश्वकोश का निर्माण किया ताकि चाइनीज ज्योग्राफी को एक अलग लेवल पे ले जाया जा सके। और ये सारा डेवलपमेंट जो किया चाइनीज ज्योग्राफर्स ने वो सब का सब आप देखेंगे डार्क एज में हुआ यानी अंध युग में हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में ये चीज बताई थी। सो आज यही चाइनीज ज्योग्राफर इतने ही थे 4 के आसपास और इनके काम भी बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। इनके अलावा भी बहुत थे बट उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे जिनको बहुत ज्यादा दुनिया ने जाना। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई नॉलेज के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। चलिए बाय। We'll be right back.
Yeah.